मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रेशंस के बारे में। डबल इंटीग्रेशंस का मतलब होता है कि इसमें डबल और ट्रिपल भी होता है। मान लो कि माइनस वन से लेकर वन तक है लिमिट, इसको लोअर लिमिट करते हैं, इसको अपर लिमिट करते हैं, और फिर एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है जीरो टू एक्स एक्स, और तब यहाँ फंक्शन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन देखकर स्टूडेंट घबरा जाता है कि इसमें क्या करना है। तो सिंपल जो इंटीग्रेशन का रूल है वही इसमें लगाना है। डी वाई बाई डी एक्स भी होगा, डी जेड भी होगा, थ्री इंटीग्रल का पद इंटीग्रल भी लगता है, इंटीग्रेशन का साइन और दो होता है। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें जीरो टू एक्स स्क्वायर दिया होता है, एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिया होता है। तो पहले जो डी वाई दिया हुआ है तो वाई के रिस्पेक्ट में पहले इसको इंटीग्रेट कर लेंगे लिमिट जीरो और एक्स स्क्वायर के लिए, और इससे जो वैल्यू आएगा उसको पुनः इंटीग्रेशन करेंगे और तब उसका लिमिट होगा माइनस वन से वन। तो बहुत आसानी रूप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ आई है, ये माइनस वन टू वन हो गया, और यहाँ जीरो टू एक्स स्क्वायर है। तो किसके रिस्पेक्ट में? डी वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं। तो डी वाई के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा जीरो टू एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा इंटू डी वाई प्लस जीरो टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई इंटू डी वाई, आज इसके ऊपर डी एक्स है। यानी कि पहले जो इंटीग्रेशन होगा वह वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद हम डी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब इसका इंटीग्रेशन में देखो कि यहाँ पर एक्स कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो ये माइनस वन टू वन रह गया। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? तो एक्स इंटू डी वाई है तो वाई का पावर जीरो, यानी कि यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका वाई हो जाएगा, और प्लस इसका इंटीग्रेशन जो होगा वाई स्क्वायर बाई आर टू, दोनों पर लिमिट एक साथ ले लिए जीरो टू एक्स एक्स पर, अब इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब इसका लोअर लिमिट जीरो है और अपर लिमिट कितना है एक्स स्क्वायर, तब आई इक्वल टू और हो जाएगा माइनस वन से वन इंटू, अब इसका अपर लिमिट दीजिए वाई के गलत प्लेस पर क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, अब प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर है हो जाएगा एक्स टू पावर फोर वाई टू। अच्छा, फिर वाई का वैल्यू अगर जीरो देंगे लोअर लिमिट पे तो ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो इतना ही बचेगा। अब यहाँ पर आ गया डी एक्स, तो फिर देखिए कि ए तो वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में सॉरी डिफ्रेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन, आई इक्वल टू माइनस वन टू वन, एक है एक्स क्यूब इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस माइनस वन टू वन, वन बाई टू को बाहर ले लो एक्स फोर इंटू हो जाएगा डी एक्स, तो आई इक्वल टू इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स टू पावर फोर बाई फोर टू वन टू माइनस वन, अब फिर हो जाएगा प्लस वन बाई टू इंटू एक्स टू पावर फाइव बाई फाइव, अपर लिमिट वन होगा लोअर लिमिट माइनस। अब यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू दे देंगे तो आई इक्वल टू यहाँ वन बाई फोर को बाहर हो जाएगा, यहाँ वन टू पावर फोर हो जाएगा माइनस माइनस वन टू पावर फोर होगा प्लस वन बाई टू इंटू वन टू वन बाई फाइव हो जाएगा माइनस, यहाँ लेकिन माइनस देखो ऑड में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन बाई फाइव, क्योंकि एक्स का वैल्यू माइनस वन देंगे तो माइनस वन टू पावर फाइव जो होगा माइनस फाइव, यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा ए वैल्यू माइनस वन टू पावर फोर है तो वन माइनस वन हो जाएगा, यानी कि ए वैल्यू हमारा कितना मिल जाएगा जीरो। तो आई इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट पार्ट जीरो हो जाएगा, सेकेंड पार्ट में वन बाई टू इंटू हो जाएगा टू बाई फाइव, तो लास्टली इसका आंसर आ जाएगा वन बाई फाइव। तो बहुत ही आसान है डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन करने में, इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है, इतना पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है कि जो पहले दिया हुआ है, जैसे डी वाई पहले दिया हुआ है, तो डी वाई दिया हुआ है तो वाई वाले टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, एक्स यहाँ पर कॉन्स्टेंट होगा, अब तब इसका लिमिट जीरो और एक्स स्क्वायर पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू हमको एक्स के टर्म में, अब एक्स के टर्म में आ गया तो इसको डी एक्स का एक्स का क्यूब प्लस वन एक्स पावर फोर बाई टू, तो इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेंगे,
और जो वैल्यू आएगा उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट देके उसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसी तरह से थ्री का भी करते हैं, थ्री में क्या होगा कि डी वाई डी एक्स डी जेड, इस तरह से आर एक्स डी एक्स वाई जेड का अगर हमको वेरिएबल दिया हुआ है, जैसे ही दिया हुआ है उसी तरह से उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, जैसे मान लो कि जीरो टू डबल इंटीग्रेशन जो है, एक और क्वेश्चन देख रहे हैं जीरो टू एक्स, और यहां दिया हुआ है जीरो टू टू, अब यहां दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। अब फिर इस तरह से इसका वैल्यू निकालना है, ए आई की दिया हुआ है, ये भी डबल दिया है। एक और समझा रहे हैं क्योंकि दो से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एक इसका क्वेश्चन बनाने में कोई कठिनाई नहीं है, जैसे इंटीग्रेशन का डबल इंटीग्रेशन नहीं वन इंटीग्रेशन में देखते हैं, जो प्रिंसिपल उसका है वही प्रिंसिपल यहां भी लगता है। फिर यहां देखो क्या हो जाएगा कि जीरो टू टू है, अब यहां जीरो टू एक्स है, यहां डी वाई दिया हुआ है, तो डी वाई जो है वाई के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा, तो वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, डी वाई का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, तो x स्क्वायर इंटू वाई, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा y टू पावर 3 बाय 3 x टू पावर n वाला फार्मूला से, और यहाँ 0 टू x और यहाँ dx लग रहेगा। अब y के जगह पर अपर लिमिट तो देंगे x देंगे और लोअर लिमिट देंगे 0, तब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0 टू 2, यहाँ हो जाएगा y के जगह x, तो x क्यूब हो जाएगा प्लस, फिर वाई के जगह एक्स दीजिएगा तो एक्स क्यू वाई थ्री आ जाएगा, लेकिन जब भी वाई का वैल्यू जीरो दीजिएगा माइनस वैल्यू और लिमिट में से वैल्यू जीरो हो जाएगा, और इनटू कितना रह जाएगा डी एक्स। अब क्या कर देना है, एक इंटीग्रेशन हो गया वाई के रिस्पेक्ट में, अब दूसरा क्या करना है एक्स के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट कर देना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिएगा तो एक्स क्यू का इंटीग्रेशन वैल्यू आ जाएगा एक्स टू पावर 4 बाय 4, अब प्लस इसका हो जाएगा एक्स टू पावर 4 बाय 4 इनटू 3 यानी कि 12 हो जाएगा, और इसका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2 है। अब इसका वैल्यू दे दीजिए तो r इक्वल टू r हो जाएगा x टू पावर 4 का मतलब 2 पावर 4, 2 टू पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा 16, ये 16 बाय 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 16 बाय 12, और माइनस दे दीजिएगा x का वैल्यू 0 तो दोनों के दोनों माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो I का एक्यूरेट वैल्यू हमको मिल जाएगा 4 प्लस 4 बाय 3, यानी कि I का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 बाय 3, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डबल इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर लिमिट इसमें चेंज करना कहीं कहीं पड़ता है, उसको भी बताएंगे कि पोलर फॉर्म में रहता है r d थीटा का, dr और d थीटा का फॉर्म में रहता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। आज यहाँ तक ठीक है, फिर उसके बाद हम डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन भी बताएंगे।